हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू निर्मल स्वाज किचन। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो में हमारे साथ बने रहें। बनाना कोफ्ता कढ़ी बनाने के लिए हमने यहाँ पर 300 ग्राम कच्चा केला लिया है, जिसको हमने बॉईल कर लिया है। हमने इसमें 2 सीटियाँ लगाई हैं। इसको हमने बिल्कुल ऐसा नहीं है कि इतना ज़्यादा सॉफ्ट करना है कि ये बिल्कुल घुल जाए और इसमें पानी भर जाए। 2 सीटियाँ लगाने के बाद, हमने ठंडा होने के बाद हम इसे इस प्रकार से इसका छिलका इससे अलग कर लेंगे। जो हम कोफ्ता कढ़ी बनाते हैं, ये खाने में बहुत अच्छी होती है और बहुत कम समय में बनकर तैयार हो जाती है। इस प्रकार हमने सभी बनाना का छिलका इनसे अलग कर लिया है। अब हम इनको अच्छे से मैश कर लेंगे। हमें इसको अच्छे से मैश करना है, ये नहीं कि ये बहुत ज़्यादा मोटा रह जाए, बिल्कुल एकदम बारीक। आप चाहें तो इसको कद्दूकस भी कर सकते हैं। इस प्रकार से अच्छे से मैश करने के बाद हम इसमें 2 चम्मच मैदा, हमने रेगुलर स्पून से ही इसमें मैदा डाली है। आपके पास मैदा, कॉर्नफ्लोर, आप दोनों में से किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 सेम स्पून से हमने इसमें बेसन डाला है। बेसन डालने के बाद अब हम इसमें जो नॉर्मल मसाले अपने घर में डालते हैं, नमक टेस्ट के अनुसार, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, सब चीज़ों को अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे। 1/4 चम्मच हमने इसमें हल्दी डाल दी है। अब इस प्रकार से हम इसको अपने हाथ की हेल्प से अच्छे से मैश करेंगे ताकि सब चीज़ें अच्छे से मिक्स होकर इसका एक डो बनकर तैयार हो जाए। इस आप देख सकते हैं अच्छे से मैश हो गया है। अब हम हल्का सा हाथ पर अपने हथेली पर ऑयल लगाएंगे और इस प्रकार से ओवल या फिर गोल बॉल शेप में से हम अपने सभी कोफ्तों को तैयार कर लेंगे। दूसरी ओर हमने अपनी गैस पर कढ़ाई रख दी है और उसमें ऑयल डालकर गर्म होने के लिए रख दिया है। हम अपने सभी कोफ्तों को डीप फ्राई करेंगे। अगर हमारे कोफ्ते का आटा थोड़ा सॉफ्ट होगा तब इसमें ऑयल भर जाएगा, इसीलिए हमने उसमें 2 सीटियाँ लगाई थी। इस प्रकार से हमारे सभी कोफ्ते बनकर तैयार हो गए हैं और गैस पर हमारी ऑयल भी अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम छोटी सी गोली बनाकर इसमें डालकर देखेंगे। हमें ऑयल को बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं करना है, मीडियम फ्लेम पर ही अपने ऑयल को गर्म करना है। हमारा ऑयल कोफ्ते बनाने के बिल्कुल परफेक्ट तैयार है। जितना हम जब पकौड़े बनाते हैं या फिर किसी भी कोफ्ते को फ्राई करते हैं तो हमें मीडियम फ्लेम पर ही अपने ऑयल को करना होता है गर्म। अब हम इसमें अपने सभी कोफ्तों को डाल देंगे। हमें कोफ्ते कढ़ाई में डालने के जस्ट बाद उसमें पोनी टच नहीं करनी है, क्योंकि ऐसा करने से हमारे कोफ्ते फूट जाते हैं। हम इन्हें हल्का सुनहरा होने तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इस प्रकार अलट पलट कर हम इसे सुनहरा होने तक हमने इनको फ्राई कर लिया है। ये अच्छे से अब सुनहरे हो गए हैं। हम इनको अपनी कढ़ाई से निकाल कर अलग कर लेंगे। हमारे कोफ्ते बनकर बिल्कुल रेडी हो गए हैं। अब हम फोक, टूथपिक या चाकू की हेल्प से इसको इस प्रकार से इसके अंदर बारीक बारीक छेद कर देंगे ताकि जो हम इसकी ग्रेवी बनाकर तैयार करें वो इसमें अच्छे से अब्जॉर्व हो जाए। कोफ्ते रेडी हैं, अब हम अपनी ग्रेवी की साइड चलते हैं। ग्रेवी बनाने के लिए हमने यहाँ पर 3 मीडियम साइज़ के टमाटर और 2 हरी मिर्च ली हैं। इसमें हम 2 चम्मच क्रीम डालेंगे। आपके पास अमूल क्रीम अगर नहीं है तब आप घर की मलाई का भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं और मिक्सी में डालकर हम इसका बारीक पेस्ट बनाकर तैयार कर लें। हमारा बिल्कुल बारीक और स्मूथ पेस्ट बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। हमने दूसरी ओर गैस पर कढ़ाई रख दी है। कढ़ाई में हमने 2 चम्मच ऑयल डाला है। आप ऑयल या घी किसी भी चीज़ का इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑयल या घी को कढ़ाई में डालने के बाद हमने इसमें 1 पिंच हींग डाला है। हींग डालने के बाद हम इसमें आज अदरक, लहसुन और प्याज का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हम अगर आप चाहें तो इसमें डाल सकते हैं। मैंने इसमें जीरा, धनिया पाउडर डालेंगे। इसको इस टाइम पर हमने अपनी फ्लेम को लो कर देना है और इसको सुनहरा होने तक भूनना है। सुनहरा होने तक भूनने के बाद जो हमने पेस्ट बनाकर तैयार किया है टमाटर का, वो हम इसमें डाल देंगे। टमाटर का पेस्ट इसमें डालने के बाद हम इसमें अच्छे से उबाल आने तक, जब तक कि इसमें से घी अलग ना हो जाए, तब तक हम इसको लगातार चलाते रहेंगे और अच्छे से इसको बॉयल होने देंगे। इसमें घी बिल्कुल अलग होने लगा है। अब हम इसमें 2 गिलास पानी डाल देंगे और अपने बचे हुए मसाले भी इसमें ऐड कर देंगे। हमने इसमें 2 गिलास पानी इसलिए डालना है क्योंकि हमारे जो कोफ्ते होते हैं वो थोड़े शौकी होते हैं और वो पानी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। 10 मिनट रखते ही हमारी जो ग्रेवी होती है वो खुद ही गाढ़ी हो जाती है। अब हम इसमें
हल्दी पाउडर, नमक टेस्ट के अनुसार, लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, कसूरी मेथी, गरम मसाला, आपके पास किचन किंग मसाला है आप वो भी इसमें डाल सकते हैं। सभी को डालकर हम इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने इसमें नमक बहुत ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि हमारे कोफ्ते में भी नमक होता है। अब इन सबको अच्छे से मिक्स होने के बाद हम इसमें उबाल आने देंगे। जब हमारे इसमें उबाल अच्छे से आ जाए, उबाल अच्छे से आने के बाद हम इसमें अपने कोफ्तों को डाल देंगे। कोफ्तों को इसमें डालने के बाद करीब 2 मिनट तक हम इन्हें और पकाएंगे और करीब 10 मिनट तक रख देंगे। उसके बाद ही हमने इसको सर्व करना है क्योंकि इसमें हमारा जो ग्रेवी है वो थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी और हमारे कोफ्ते में अंदर ऑब्जॉर्ब हो जाएगी। ये कोफ्ते खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। अगर आपको कच्चा केला खाने में कम अच्छा लगता है तब आप उसे कोफ्ते की फॉर्म में बना सकते हैं। आपके बच्चे भी सब्जी को इजीली खा लेंगे क्योंकि ये खाने में बहुत टेस्टी लगती है। अगर आप चाहते हैं यहाँ पर गार्लिक अनियन का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमने गार्लिक और अनियन का यूज़ नहीं किया है क्योंकि अब फास्ट सीजन चल रहा है। हमारे कोफ्ते करीब अच्छे से पक गए हैं। अब हम इसमें बारीक चॉप करके हमने 1 चम्मच हरा धनिया रखा हुआ है उसको हम इसमें डाल देंगे और अपनी फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ एक बार इस रेसिपी को अपने घर में ट्राई ज़रूर करें। अपने एक्सपीरियंस हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। धन्यवाद।